ओके देख आमर गोटे पोर्सन अच्छी तुम्हार पूरा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कौन कहली ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ओके शुण ये जिनसटा रिसेंट ट्रेंड रे बहुत भास्ट जिनिस एथरे बहुत पाठ अच्छे हला किंतु आमर तो प्रिलिमिनरी स्टेज रे तुम जी पढ़ले सब रिएक्शन करतमान देखा ला ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या कह मन रखता गोटे ऑर्गेनिक ग्रुप सपोज गोटे अल्किल ग्रुप जदि डायरेक्टली बॉन्डेड हो मेटल सहित कौन कहली डायरेक्टली बॉन्डेड हो मेटल सहित तो से कौ कौन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ओके शुण एगुड़ाक जेनेली किए करिबे ना द मेटल्स हुईच हाज जो गुड़ाक शुण ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या कह ना जो गुड़ाकर तुम्हें परसेंटेज आयोनिक क्यारेक्टर कौन कहली परसेंटेज आयोनिक क्यारेक्टर जहार बहुत मेटाल अच्छा मेटाल हाज मानने जो गोटे कंपाउंड करुंकर देख कौन हुए मुझे एग्जांपल दूसरी सपोज तुम पाखे मेटाल अच्छे कि पोटासीयम सोडियम लिथियम मैग्नीशियम कैडमियम एतक अच्छे है तो यही भितर देख कौन हो मुझे कहबी परसेंटेज आयोनिक क्यारेक्टर कौन कहली परसेंटेज आयोनिक क्यारेक्टर कहार अधिक ना यहाँ हूँ 51% यहाँ हूँ 47% ये है 43 ये 35 ये 15% तो सबुठ हाइस्ट कहार अच्छी पोटासीयम आपर किए अच्छे सोडियम तो जहार परसेंटेज आयोनिक क्यारेक्टर अधिक दे आर मोर रिएक्टिव कौन कहली दे आर मोर रिएक्टिव हम तो एम कौन करती देख एम सेठ कौन करती जो गुड़ाक मोर रिएक्टिव दे आर हाइली कम्बस्टिबल कौन कहली कम्बस्टिबल कौथिरे ना एयर रे एम जली जी इजिली से जो पानी मॉइस्चर एयर कंटाक्ट रे सोडियम पोटासीयम को रखा ही जाए ना ताको किरोसिन रे बुड़े के रखा है ना ओके तो यही दृष्टि यही गुड़ाक हाइली रिएक्टिव हो जाए तो तुमर बलिले कौन युड़ाक देख ये तो एयर सहित रिएक्शन कर जाऊँ तुमर गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड सहित रिएक्शन करने या पाखे टाइम कहीं टाइम अच्छे बहुत कष्ट है ना ना तेणुक जो मैंने मोर रिएक्टिव हो जाती से मैंने जेनेली फर्म करती ना ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है करती को मैंने जार टे रिएक्टिविटीटा लेस लाइक कह लिथियम करे तो जदि ऑर्गेनिक मोइटी आर सहित तुम एलआई लगी कौन कह ना ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड है जदि आर सहित एम जी लगी कौन कह ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड है ना ना हब जदि तुम आर सहित कैडमियम लगी कैडमियम वैलेंसी 2 तो ये भी 2 थी जे ये गोटे प्लस अच्छे आठ कौन ये 2 न लिखे प्लस तो ठीक अच्छे देखिए से चार्ज कथा तो पर आस तो यटा को कौन कह ऑर्गेनो कैडमियम हाँ ना ऑर्गेनो कैडमियम ठीक अच्छे अच्छा जदि एतक सारा जिनस जान लमर बर्तमान सिलेबस किए किए अच्छा ना ऑर्गेनो मैग्नीशियम
ଅର୍ଗାନୋ କପର ଅର୍ଗାନୋ ଲିଥିୟମ୍ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଜେନେରାଲି ତମର ଏଇଥର ଫୋକସରେ ବା ସିଲାବସରେ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଅର୍ଗାନୋ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ। କ'ଣ କହିଲି? ଅର୍ଗାନୋ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। ଓକେ, ଅର୍ଗାନୋ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ? ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଲାଗିଥିବ ହେଲା, ସବୁଠୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଏଇଥିରେ ଅର୍ଗାନୋ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମରେ ହେଉଛି ତମର ଗ୍ରିଗନାଡ଼ସ ରିଏଜେଣ୍ଟ। କ'ଣ କହିଲି? ଗ୍ରିଗନାଡ଼ସ ରିଏଜେଣ୍ଟ ହେଲା, ଗ୍ରିଗନାଡ଼ସ ରିଏଜେଣ୍ଟ। ଏଇଟା କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହୁଏ? ଗ୍ରିଗନାଡ଼ସ ରିଏଜେଣ୍ଟ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହୁଏ ନା, ତମେ ନେଇଯିବ ଆଲକିଲ ହାଲାଇଡ଼, କୌଣସି ଆଲକିଲ ହାଲାଇଡ଼। କ'ଣ ନେଲ? ଆଲକିଲ ହାଲାଇଡ଼। ଓକେ, ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଦେଉଛ? ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପାଉଡ଼ର। କେଉଁ ସଲଭେଣ୍ଟରେ ଦେଉଛ? ଡ୍ରାଏ ଇଥର। ଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, RMGX। କ'ଣ ହେଉଛି? RMGX ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଗ୍ରିଗନାଡ଼ସ ରିଏଜେଣ୍ଟ। କ'ଣ କହିଲି? ଗ୍ରିଗନାଡ଼ସ ରିଏଜେଣ୍ଟ। ଏଇ ଗ୍ରିଗନାଡ଼ସ ରିଏଜେଣ୍ଟରେ ଦେଖ, ମୋତେ ଟିକେ କହିଲ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ RX ଲେଖିଛି ହେଲା, RX-ରେ ଏକ୍ସଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭ, ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡେଲ୍ ମାଇନସ୍। ଆର୍ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ, ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡେଲ୍ ପ୍ଲସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଥିରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ MG ଡ୍ରାଇଥର ଦେଇଛ, ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଥର ଦେଇଛ, ଏପଟେ ହେଇଛି କ'ଣ? RMGX। ଷୋହଳ ମେଟାଲ୍ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ପଜିଟିଭ, ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇ ପୁଣି ଆମେ ଜାଣିଛେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ଭାଲେନ୍ସି କେତେ? +2 ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇଟାର କେତେ ହାଲୋଜେନର? -1। ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଥିବ? -1। ତାହେଲେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେବ। ଏଇଟା କେତେ ଅଛି? +2 ଅକ୍ସିଡେସନ ଷ୍ଟେଟ। ଇଏ କେତେ ଅଛି? -1। ଇଏ କେତେ ଅଛି? -1। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଇଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଉଛି। ତ ତମର ଏଇଠି ଥିଲା ଆର୍ଟା ପଜିଟିଭ ହେଇ, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ନେଗେଟିଭ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ରିଭର୍ସାଲ, ରିଭର୍ସାଲ ଅଫ୍, ରିଭର୍ସାଲ ଅଫ୍ ପୋଲାରିଟି। ତାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ପଜିଟିଭ ପୋଲରେ, ପଜିଟିଭ ସ୍ପେସିସ୍ ହେଇକି ହେଇଛି କ'ଣ? ନେଗେଟିଭ ସ୍ପେସିସ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଭର୍ସାଲ ଅଫ୍ ପୋଲାରିଟି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ ହୁଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ଅମ୍ପୁଲଙ୍ଗ। କ'ଣ କହିଲି? ଅମ୍ପୁଲଙ୍ଗ ମେଥଡ଼ ହେଲା, ହେଉଛି। ଆହୁରି ବି ତା ବିଷୟରେ ପରେ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଟିକେ ହାୟର ଲେବୁଲରେ ବି ପଢ଼ିବ ବହୁତ ସାରା ରିଆକ୍ସନ, ବଟ୍ ଏବେ ପାଇଁ ଜାଣିଥାଉ ଏଠି ରିଭର୍ସାଲ ଅଫ୍ ପୋଲାରିଟି ହେଉଛି ହେଲା। ମନେ ରଖିଥା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ପଚାରେ, ବେଳେବେଳେ ପଚାରିବ ଏମିତି କି, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ନେଇଛି CH3Br ହେବ, ଆଉ ଜଣେ ନେଇଛି CH3CH2Br ମାନେ C2H5Br, ଆଉ ଜଣେ ନେଇଛି C3H7Br, ଇଥାଇଲ ବ୍ରୋମାଇଡ଼, ପ୍ରୋପାଇଲ ବ୍ରୋମାଇଡ଼ ହେବ। ସେ କହୁଛି ଏଇ ଭିତରୁ କିଏ ବେଟର ୱେରେ ଗ୍ରିଗନାଡ଼ ଦେବ ହେଲା, ମନେ ରଖିଥା। ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଲେଖିଦେଉଛି, ଗ୍ରେଟର ଦ ଚେନ୍ ଲେଙ୍କଥ, କାହାର ଚେନ୍ ଲେଙ୍କଥ? କାର୍ବନ ଚେନ୍। ଗ୍ରେଟର ଦ ଚେନ୍ ଲେଙ୍କଥ, ମୋର ଇଜ୍ ଦ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍, ମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମୋର ଇଜ୍ ଦ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଫର୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରିଗନାଡ଼ ହେଲା। ତାହେଲେ ଅର୍ଡ଼ରଟା କ'ଣ ହେବ? ଏଇଠି
କାହିଁକି ନା ଏଠି କାର୍ବନ ଚେନ୍ ବଢ଼ୁଛି ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଇଫେକ୍ଟଟା ବଢ଼ୁଛି ତାମାନେ ଏଇ କାର୍ବନଟା ନିଜେ କ'ଣ ହେଉଛି ବେଶୀ ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ବେଶୀ ପ୍ଲସ୍ଟାକୁ ଆମେ କହିଥିଲେ ଏଥିରେ ରିଭର୍ସାଲ୍ ଅଫ୍ ପୋଲାରିଟି ହୁଏ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ଟା ଯିବ ମାଇନସ୍ ତ କମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥିଲେ ସେ ଇଜିଲି ମାଇନସ୍ ଯିବାଟା ସହଜ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ ଥିଲେ ସେ ମାଇନସ୍କୁ ଯିବା କଷ୍ଟ ତେଣୁକରି ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ବେଶୀ ପ୍ଲସ୍ କି ଷ୍ଟାବୁଲ୍ C3H7 ସୋ ଏଇଟା ଯିବା କଷ୍ଟ ତେଣୁକରି ୟା ରିଆକ୍ଟିଭିଟି କ'ଣ ଅଛି ଲେସ୍ ବୁଝିହେଲା ହଁ ଗ୍ରୀକ୍ ନାଟର ରିଆକ୍ଟିଭିଟି କେମିତି ଚେକ୍ କଲ ଜାଣିପାରିଲ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଗୋଟେ ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରେ ରାଇଟ୍ ଦ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲା କ'ଣ ନା ଷ୍ଟେପ୍ସ ଇନଭଲ୍ଭଡ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରିଗନାଡ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଗ୍ରିଗନାଡ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଲା ତ ଗ୍ରିଗନାଡ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ର ଷ୍ଟେପ୍ସ ଯେତେବେଳେ କହିବ ମନେ ରଖିଥାଏ ୟାର ମେକାନିଜିମ୍ଟା ଯାଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ କହିଲି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲା ୟାକୁ କହନ୍ତି SET ମେକାନିଜିମ୍ କ'ଣ କହନ୍ତି SET ମେକାନିଜିମ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମେକାନିଜିମ୍ ତ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ମେକାନିଜିମ୍ଟା କହିଲି ଏ ମେକାନିଜିମ୍ଟା କ'ଣ ସେଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖ ନହେଲେ ପୁଣି କେମିତି କରିବାରେ ହେବ ତ ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛି ତମ ପାଖରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଅଛି RX ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ କଲି MG ଆର ମାର୍କ ଉପରେ କ'ଣ ରଖିଲ SET ମେକାନିଜିମ୍ ହେଲା କେଉଁଠୁ ଫ୍ରମ୍ MG କ'ଣ କହିଲି ଫ୍ରମ୍ MG ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟା କେଉଁଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ ଫ୍ରମ୍ MG କେମିତି ହୁଏ ନା MG ଆଉଟର୍ରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ କେଉଁଠିକି ୟା ପାଖକୁ ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଥିଲା RX ବାହାରୁ ଗୋଟାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପାଇଲା ମାନେ ଏମିତି ଡଟ୍ ଦେଲି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଉଥିବାରୁ ମାଇନସ୍ ଚାର୍ଜ ରହିବ ତ ତମର MG ଆଉଟର୍ରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଲା ଗୋଟାଏ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ କେତେ ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଏତିକି ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ତ ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ରେଡ଼ିକାଲ୍ ଦେଖ ଡଟ୍ ଅଛି ବୋଲି ରେଡ଼ିକାଲ୍ ହେଲା ମାଇନସ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆନାୟନ୍ ୟାକୁ କହନ୍ତି ରେଡ଼ିକାଲ୍ ଆନାୟନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ବୁଝିହେଲା ଏଇଟା ବି ରେଡ଼ିକାଲ୍ କାଟାୟନ୍ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ବୋଲି ମେଟାଲ୍ଟା ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିନୁ ହେବ ହେଲା ଦେଖ ଏଇ କେସ୍ରେ ସେ କହୁଛି ସିନ୍ସ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଦେଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠିକି ଯାଏ ଦେଖ ଏବେ ଟିକେ ଠିକ୍ରେ ଦେଖୁଥା ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିବ ମୁଁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ କରିଦେଉଛି ହାଁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ କରିଦେଇଛି ଦେଖ ତମ ପାଖରେ ଅଛି RX ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସେ ଯେଉଁ ମାଇନସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି ଇଏ ଯଦି ଏମିତି ନେଇଗଲା ଗୋଟାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନେଲା ଇଏ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନେବ ଗୋଟେ ତ ଏଇଠୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ଆର୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ହୋଇଥିବ X ଆଗରୁ ସେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପାଇଥିଲା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଲା ତ ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ ପେୟାର୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପେୟାର୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ତାକୁ ଖାଲି ମାଇନସ୍ ଲେଖୁ ରେଡ଼ିକାଲ୍ ଆନାୟନ୍ ଆଉ ଲେଖୁନା ହଁ ନା ନାହିଁ ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏଇଠୁ ତମର କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି ହେଲା ଦେଖ RX ପ୍ଲସ୍ X- ହେଲା ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଟା କେମିତି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ବୁଝିପାରିଲ ହଁ ଏଇଟା ରଫ୍ରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ RX କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖ X- ଅଛି ତମ ପାଖରେ ଏଠି କିଏ ଅଛି MG+ ଏଇଠି MG+ ଏଇଥିରେ କିଏ ରିଆକ୍ସନ୍ କରେ ନା ଏଇ ପାର୍ଟରେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବ MG+ ହବ ତ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଇଯିବେ MGX ଡଟ୍ଟା ସେମିତି ଖାଲି ରହିଛି ବୁଝିହେଲା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଥିରେ ତମର ଏଠୁ ଯେଉଁ RX ଆସିଛି ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବ ଇଏ ଏଠି ଫାଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦେବ ଇଏ ଫାଳେ ଦେବ ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତମର କ'ଣ ନା RMGX
इटा को कहती ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन। बुझल ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन केमती है जान पार जदि ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन जानी पार ग्रिग्नार्ड स्ट्रक्चर कौन ला मन रखा ग्रिग्नार्डर स्ट्रक्चर टा जाए सल्यूशन फेज रे देखो सल्यूशन फेज स्ट्रक्चर गोटे तार पिकुलियर स्ट्रक्चर आसे ठीक अच्छे हाँ सल्यूशन फेज रे केमी देखा ना देख ऐसे कहूँ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कौन कहली ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इज नॉट सिंपल मोनोमरिक यूनिट कौन कहली मोनोमरिक स्पेसिस एटा गोटे सिंपल मोनोमरिक स्पेसिस नो ता माने तमें भावुच गोटे मॉलिक्यूल आर एम जी एक्स तैयारी हेला माने से सेमती रही थी अल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड नुह केबे भी नुह ला से केबे भी एकुटिया गोटे मॉलिक्यूल रही परिबो ना तो तार आहुरी स्पेसिस ता सहित लागी के रहंती से स्पेसिस को कौन कहते ला से कौन हुए ना द मोनोमरिक यूनिट कौन कहली द मोनोमरिक यूनिट ले मोनोमरिक यूनिट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम कौन कहली इक्विलिब्रियम दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ए इक्विलिब्रियम टा को कौन कहा जाए ना स्लेंक इक्विलिब्रियम SCHLENK स्लेंक इक्विलिब्रियम हब कौन कहली स्लेंक इक्विलिब्रियम हब तो ए स्लेंक इक्विलिब्रियम टा केमिति देखिबा को केमिति ला देख मुद स्टेप बाय स्टेप जाऊँगी ध्यान देखी देख तुम पाखे नियर टू आर एम जी एक्स कौन कहली दीटा ग्रिग्नार्ड मॉलिक्यूल नहीं जीव एटा को सपोज ए फॉर्म कहल बा ए आइसोम तो यहाँ जो रिवर्सिबल वे रे टे रीअरेंज हे देख मैग्नीशियम वैलेंस के टू तो दीटा आर जाक गोटे मैग्नीशियम लगेद ला तो एटा कौन है जीव एम जी एक्स टू हाँ ना नहीं तो यू कौन हम कह पुणी रिवर्सिबल देख केतटा एम जी अच्छी दीटा हाँ तो केतटा आर अच्छी दीटा केतटा एक्स अच्छी दीटा हूँ तो मुटा को लिखी पारी कौन आर टू एम जी टू एक्स टू हूँ कौन कहली आर टू एम जी टू एक्स टू यो जिनसटा इक्वाल टू मानते केमी से देखा को स्ट्रक्चराली मुझे एमती इक्विवेलेंट टू लिखे एक्सपांडेड फॉर्म रे केमी लिखी ना देख आर रे लगेली एम जी हम ये देख गोटे पटे कौन रर एम जी या मान कौन कि टू इंटु आर एम जी एक्स नुह ना ना देख मु गोटे गोटे आर एम जि एक्स रख या सहित लगे थी कौन आउ गोटे एम जि आर यार एक्सटा ये मझे लगे यहाँ हूँ तुम डाइमरिक फॉर्म यटा को कौन कहते डाइमरिक फॉर्म हब बर्तमान देख ये आउ कौन चेंजेस हो पारे ना आउ टिके ये चेंज हो कि सपोज फाइनल स्टेज को जीव एमितिया हब तो कौन हम आर टा आसी एपटे लगे तो यहाँ तुम कौन हो जाऊँगी ना एम जी एपटे रहिला आर
एपटे रहिला आर मझे एक्स मझे एक्स कनेक्टेड टू एम जि एम जि ला स्ट्रक्चरटा नहींच सपोज मुझे यू बी एटा को सी एटा को डी दुटा जाक डी या कौन होगा तो पांचटा स्ट्रक्चर पाई ग्रिगनाट हाँ ना अच्छा ठीक अच्छे एत जिन जान ओके अच्छा देख जेहे तो आम जाचे ये आर एम जि एक्स कौन कहली आर एम जि एक्सटा गोटे पुलर मान एटा माइनस एटा कौन हो प्लस है तो एम जेनेली इंटराक्शन है यांकर इंटराक्शन भी हुए ला का सहित पानी सहित जिते आयोनिक सॉलिड ला जिते पोलार सॉल्वेंट सॉरी आयोनिक सॉलिड कहीदेली सेटा हम कौन आयोनिक सॉल्वेंट्स और तुमर पोलार सॉल्वेंट्स कौन कहली पोलार सॉल्वेंट्स ସେଇଥିରେ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବେ ନା ସଲ୍ୟୁବୁଲ୍ ହେଉଛି ପୋଲାର ସଲ୍ଭେଣ୍ଟରେ ସଲ୍ୟୁବୁଲ୍ ଦେଖ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେଳେବେଳେ ପଚାରେ ହ୍ୱାଏ ହ୍ୱାଏ ଡ୍ରାଏ ଇଥର କ'ଣ କହିଲି ଡ୍ରାଏ ଇଥର ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ इन ग्रिगनाड फॉर्मेशन कौथरे ग्रिगनाड फॉर्मेशन हम ग्रिगनाड फॉर्मेशन रे ड्राई थर कहीं यूज और ला से गोटे क्वेश्चन पचारे एटा जदि ड्राई थर न नहीं कि व्हाट इज द ह्वाट इज द डिफिकल्टीज इन देख ड्राई थर जहाँ यार काम भी से डिफिकल्टीज इन यूजिंग टी एच एफ ला टेट्राहाइड्रोफ्यूरन बुझे ये दुटा जाक सेम क्वेश्चन या आंसर टा जान ला आंसर रे कौन लिख क्वेश्चन आंसर करके लेख खातारे परीक्षा एगुड़ाक रिजनिंग पढ़ू आहबानी जो सार जा नी ठीक अच्छे देख मुझे तो ड्राई थर नौ गोटे तो कथा हला जे ड्राई थरटा आक्सीडेट रु तुमको बचाए उर्ज रिएक्शन कही केमी सोडियम यूज ड्राई थर हुए सो दैट आक्सीडेट हम ना ये भी सेम रिजन है जे फास्ट रिजनटा तुम हूँ एम जि रियाक्ट विथ टू वाटर टू गिव एम जि ओ एच रोल टू प्लस तुम एच टू गैस यहाँ हूँ एक्जोथर्मिक डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव सो हीट इज रिलीज आईटा निजे जल्द यहाँ एक्सीडेट खोज कर सल्वेंट ने ड्राए सल्वेंट ओके कौ सल्वेंट ने ड्राए सेकेंड बीट है कहीं इथर फास्ट जिनस इथरटा हूँ चिप आउ इथर कौन कहली इथर स्टाबिलाइजेस कौन कहली स्टाबिलाइजेस द ग्रिग मैग्नेशियम मेटल है केमी स्टाबिलिटी प्रोभाइड करे सीटा को देख देख ग्रिगनाटा कौन हो आरपट पेज कर तो सी कहला ग्रिगनाटा कौन टिके देख मु ग्रिगनाट लिखिली आर एम जि एक्स यहीटा को मुझे भर्टिकाली लिखुच ताहले सुविधा हे आर एम जि एपटे कौन नहीं एक्स बर्तमान यहीटा गोटे हाइड्रोजन बर्निंग बा इंटराक्शन कर सहित आ गोटे मलिकुल एम जि एटा दे माइनस ना
এটা কোন হইতিব ডেল প্লাস তো মাইনাসটা পুনি ডেল প্লাস সহিত মানে ইন্টারাকশন করিব তো এপটে রহিব এক্স মাইনাস এটা হইতিব ডেল মাইনাস পুনি চালিব রিয়াকশন কোন আর এই ভিতরে রহিলা এম জি এটা হল এক্স বর্তমান এইগুড়াক যেহেতু এমনি ইন্টারমলিকুলার হাইড্রোজেন বর্ণিং করছেন্তি গোটে টিকে অনস্টাবল থাকে ला तांको स्टेबिलिटी मैग्नीशियम को स्टेबिलिटी के दबो एंड धर डाइथाइल लिथर देच तो ये कोऑर्डिनेट कर ला ये कोऑर्डिनेट करया द्वारा एठी भी होइथिबो ओईटी होल टू एठी कोन हेथिबो ओईटी होल टू कुछ तो ई जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उडा का करिचे एमिति कोऑर्डिनेट बॉन्ड करबा द्वारा ये कोन हे जे more stable it is more stable in ko solvent re na ethers la gote question kintu re deichi je thf ta kahi ki use hen tetrahydrofuran ra structure kon eta la furan hetile ethi double double ethi oxygen tetrahydro mane se sabu hati jai ki ethi kon achanti di di ta h ना ना हला एटा कोन हे गला THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान तो क्वेश्चन हला ए टेट्राहाइड्रोफ्यूरान रे हां कोन हुए जतबले तमे एटा दैथिबो Mg Rx हबा RmgX नैछो तो एटा कोन हुए ना जेतले टेट्राहाइड्रोफ्यूरान सहित लगभग लिटिल इंटराक्शन कौन कहली लिटिल इंटराक्शन हुए ला लिटिल इंटराक्शन हेले ए भीतर देख ये याकु स्टेबिलिटी दउथला ये किंतु इंटराक्शन करछ ता माने कौन स्टेबिलिटी दबा बदल रे से कौन करछ इंटरेक्शन जोगो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड न करे ये कौन करुचे ना जेमिति थिला सेमिति ही रखि दउछि कोनोसी प्रकार कोऑर्डिनेशन करि पारु ना कोऑर्डिनेशन न करि पारु थिबा जोगो एटा कौन हे जाउछि स्टेबल हे पारु नाही इन टीएच हबो तो एतिकि तमरा थिला हां कौन इंट्रोडक्टरी टू ऑर्गेनोमैग्नीशियम एबे तार एप्लीकेशन गुडा काम को देखिवार छ ल देखा एप्लीकेशन गुडा करे कोन करू छ